के पग घुंघरू बांध मेरा नाच थी के पग घुंघरू बांध मेरा नाच थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मेरा नाच थी वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से चूके 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 रे के पग घुंघरू आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं उम्र गुजरी है सारी चोरी में सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में आपका तो लगता है बस यही सपना राम राम जपना पराया माल अपना आपका तो लगता है बस यही सपना राम राम जपना पराया माल अपना वतन का खाया नमक तो नमक हलाल बनो फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी नाची थी नाची थी नाची थी हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी है? सीधा चलते हैं ये तो पहली बार हुआ है कि कुलदीप इसमें क्या हुआ है वो जो करारे नोट लगते हैं ना कुलदीप वो के पग घुंघरू ये सब चीजें आई नहीं इतना नीरस सिंगिंग था आज वो जो तीर की बात ता ता रा ता 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 रे के पग घुंघ आ तड़ा ये सब चीजें आती नहीं है वो सुर में गाना और वो सुर के साथ साथ नीरस गाना बहुत फर्क है दिस नॉट अ गाना सिंगिंग दिस इज नॉट व्हाट आई वुड बी इंप्रेस्ड मुझे आपकी सिंगिंग मृत प्राय लगी आज और सामान्यतया आप ऐसा गाते नहीं हैं परंतु आपके लिए शुभकामनाएं मुझे लग रहा है यह सचमुच है लेकिन जो आपकी वॉइस क्वालिटी है वो बिल्कुल बुझ गई थी इसलिए कि परहैप्स इट इज़ ओवर रिहर्स्ड तो वो आपने सारे वर्ड तो सही गा दिए धुन भी सही गाई लेकिन क्योंकि आपकी आवाज़ ने साथ नहीं दिया तो ना उसमें वो रंग आया ना वो थ्रो आया ये आपकी पर्सनैलिटी है या क्या है बट डेफिनेटली एनर्जी बहुत लैकिंग थी स्पेशली इस गाने के लिए कुलदीप कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कोई बात नहीं मेरे पार्टनर और मैंने कुछ लिखा था अपने सोचा था कि अगर आप बोलेगा तो मज़ा आएगा थोड़ा वो एक्चुअली अपने लेडी ब्यूटीफुल के लिए जो उधर बैठा है ए इधर लिखे ले ये देख ओके एकदम फुल पढ़ने का बराबर तो अर्ज किया है कि तुम आ गए हो तुम आ गए हो नूर आ गया है तुम आ गए हो नूर आ गया है तो चलो तुम नूर और मैं तीनों पिक्चर देखने चलते हैं जावेद साहब आपको देख के लग रहा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं ये जो भी था किसी भी एंगल से शायरी तो नहीं था इसलिए कि पहली लाइन जो थी वो ऊँट की दुम की तरह छोटी थी और दूसरी लाइन ऊँट की गर्दन की तरह लंबी थी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.